ये लॉबी और ये है कार्पेट फ्लोरिंग, सब फ्लोरिंग। और ये होटल का सबसे हाई प्रोफाइल जो रूम है वो यही है। देखिए यहाँ पर कोई भी रूम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो रूम मिलाकर यहाँ पर एक रूम किया गया। और यहाँ पर रूम नंबर दिया हुआ है, दो दरवाज़ा। ये है आपका ऑफिस एरिया, या आप इसे बोल सकते हैं कि ये है ड्राइंग एरिया और वो है बेडरूम। ये है बेडरूम। ये दरवाज़ा में कोई नंबर नहीं है, लेकिन दूसरा और सारी दरवाज़ा में, एक एक दरवाज़ा में एक एक नंबर दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखिए कि आपका दो दरवाज़ा मिलाकर एक रूम यहाँ पर हुआ है। चलिए मैं जनसेलों का स्विच लगा हुआ है और मैं एक क्विक रूम टूर करवाऊंगा आप लोगों को। ये है ड्राइंग एरिया, यहाँ पर वार्डरोब जो मैं आप लोगों को पहले से दिखाया था। जो आप लोगों को मैं पहले से दिखाया था। और ये हमारा लगेज है, कल हमारा यहाँ से चेकआउट है, डिपार्चर है कल। यहाँ पर देखिए कि क्रोम फिनिश्ड यहाँ पर स्ट्रिप दिया हुआ है। ये है आपका शू एरिया, यहाँ पर है गेस्ट वॉशरूम, यहाँ पर दो दो वॉशरूम दिया गया। यह गेस्ट वॉशरूम, यहाँ पर एक बड़ा साइज का मिरर है, यहाँ पर बट टॉवल और यहाँ पर शावर इंक्लोजर, शावर इंक्लोजर है ये। अंदर से देख सकते हैं और यहाँ पर साथ में टॉयलेट्स दिया हुआ है, बाहर शावर जेल, शैम्पू और कंडीशनर सब कुछ है। और यहाँ पर आपका सीलिंग सीलिंग माउंटेड यहाँ पर शावर है, मिस्ट और भी यहाँ पर मोड में पानी फ्लो होता है। और यहाँ पर है आपका एक मिरर एलईडी लाइट के साथ जो मैं आप लोग को पहले दिखाया था। वॉल माउंटेड यहाँ पर WC और टॉवल और डस्टबिन। मेरा घर जैसा गोल्डन तो नहीं है, यहाँ आप आ जाइए। यहाँ पर सीलिंग भी आप लोग दिख रहे हो और ये स्लाइडिंग डोर। उसके बाद आइए सीधा यहाँ पर, ये है आपका ऑटोमेटिक, ये है ऑटोमेटिक वार्डरोब विथ टॉर्च, आप लोग देखे हैं, ये भी ऑटोमेटिक है। और ये सब मैं आप लोगों को दिखाया। ये है टोटल नाइट व्यू ड्राइंग रूम, आप लोग दिखे हो। एक बार मैं क्विक व्यू में दिखा रहा हूँ। अब रात का समय है, स्विमिंग पूल सुबह 6 बजे से आप एक्सेस कर सकते हो। अभी स्विमिंग पूल में मतलब लाइट तो है लेकिन अभी एक्सेस नहीं किया जा सकता, अभी काफ़ी रात हो चुका है। कल हमारा ये मैं ऑफिस किया और कल मेरा यहाँ से चेकआउट है और कल फ्लाइट भी है, सीधा जाना है मुझे दिल्ली। ये है आपका डस्टबिन, ये है आपका कॉफ़ी एरिया, चाय कॉफ़ी, कॉफ़ी मशीन, टीवी, रीडिंग लाइट और कुछ खाना था। बोलो कितना खाऊंगा, ये तो सब ने मतलब लाई है उन लोगों ने। और यहाँ पर टेबल, एक ग्लास फिनिश, क्रोम फिनिश ग्लास टेबल, राउंड शेप, ऑटोमैन रिवॉल्विंग ऑफिस चेयर, वुडन बेस
वुडन बेस चेयर, लेकिन ये लेदर येट नहीं है, सोफा भी लेदर येट नहीं है। और ये है मेन बेडरूम, बेडरूम का टूर मैं आप लोगों से करवाया। यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू होता है, यहाँ पर 8 फीट बाई 10 फीट का विंडो है। रात में अभी बंद है, मतलब नाइट व्यू आप नहीं देख पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया कोट स्टैंड, कल मैं सुबह का नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा। फ्लावर डेकोरेशन बेड में, यहाँ पर आ जाइए, ये बेडरूम, यहाँ से ड्राइंग रूम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिर से वार्डरोब ऑटोमेटिक लाइट के साथ, मैं आप लोगों को पहले दिखाया था, शू बास्केट, पेंटिंग, सीलिंग, फिर ऑटोमेटिक वार्डरोब ऑटोमेटिक लाइट के साथ सेफ। ये वाला जब बंद होता है तब लाइट भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और सेंट्रल एसी, यहाँ पर डोर स्टॉपर यहाँ पर नहीं दिया गया है नीचे, क्योंकि काफी गंदा लगता है दिखने में। यहाँ पर डोर स्टॉपर दिया गया, आप इसे स्टॉप कर सकते हो। देखिए ये स्टॉप हो गया, अगर आप इसे अनलॉक कर दोगे तो ये पूरा अनलॉक होगा। ये सेफ्टी चेन है, यहाँ पर आप लोग दिख रहे हो, ये सेफ्टी चेन है। ये वॉशरूम, मास्टर वॉशरूम, अब मेरा घर जैसा चीटी तो नहीं है। यहाँ पर जो मैं दूसरा जूनियर सीट में था उसमें पानी दिया हुआ था, यहाँ पर तो पानी नहीं है। यहाँ पर एक वाश दिया गया, टिश्यू होल्डर, और यहाँ पर सोप, इसे मैं यूज़ किया इसलिए इसे मतलब आके मैं ऑफिस शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं उसी वक्त दिखाऊं। मतलब सिर्फ मैं वॉश बेसिन यूज़ किया और कुछ यूज़ नहीं किया। ये है आपका अंडर बेसिन सेल्फ, और वहाँ बट टवल और हैंड टवल दिया गया, और ये इसमें है हेयर ड्रायर, इसमें है हेयर ड्रायर, देखिए लिखा हुआ है कि हेयर ड्रायर है इसमें। डस्टबिन, WC, कॉमन फ्लास, और टॉवल हैंगर, और सेंट्रल एसी का वेंट, और फायर हाइडेंट आउटलेट, शावर एनक्लोजर। कुछ खास टाइल्स यहाँ पर नहीं है, मेरा जैसा वह सारे वॉशरूम 3D है वो तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन है ये शावर एनक्लोजर, रूफ माउंटेड शावर है, मिस्ट रेन बहुत सारे मोड में फ्लो होता है। यहाँ पर भी है सीवेंट, हैंड शावर, और शावर जेल, शैम्पू एंड कंडीशनर, इसे आपको क्विच करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रेस नहीं है, क्योंकि प्रेस में क्रोम में वो उसमें दाग आ जाता है, और क्रोम जब हट जाता है तो काफ़ी गंदा लगते हैं दिखने में, इसलिए इसे आपको क्विच करना पड़ेगा। और टॉयलेटिस, बाथ सीट, बैठ के आप नहा सकते हो। यहाँ पर लाइट होने से और भी ज़्यादा अच्छा दिखता, लाइट यहाँ पर नहीं दिया गया, नीचे भी लाइट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है। टॉवल, शावर एनक्लोजर टू टॉवल,
एंड बट टॉवल, बेसिन, बेसिन मैट, टॉयलेट इज, वाटर ग्लासेस, जेंसेलो स्नाइडर, जेंसेलो इंटरनेशनल प्लग एंड स्विच, एंड वॉल फिटेड मिरर विथ क्लिप, एंटी ग्रेविटी क्लिप, वॉल माउंटेड लाइट, वैनिटी मिरर, आप इसे एंगल से देख सकते हो और इसे आप मतलब जूम करके देख सकते हो, जूम भी हो, एक जूम आउट भी हो, ये हो गया जूम आउट भी हो, ये हो गया जूम भी हो, और इसे आप आपके हिसाब से आप इसे सेट भी कर सकते हो जैसा आपका ज़रूरत है, जैसा हर थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार होटल में रहता है। फोन्स, टॉयलेट पेपर और लॉक आप लोगों को मैं दिखाया, यहाँ का सीलिंग।